फिके हनफी नाल इसका तल्लक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है मुसलमान। राती महल्ले च अपनी बीवी नाल किसे मसले ते उसकी बहस हुई है, तकरार होया है, बहस वधी, तू मैं तक गल आ गई, अगो इस शेखू ने गुस्से हो गया, गुस्से चाह के अपनी बीवी ने तलाक दे दी। तलाक तलाक तलाक, खुदा बंदा बादशाह तलाक दे के जनाब गुस्से सो गया। सुबह उठा तो उसका फिर जेन ठीक आई, कूल माइंड आई, उस आखिया राती तो मैं तलाक दी है। वजीर ने बुलाया अपनी काबीना का, बहुत उसका सियाना वजीर है, उसने बुला के पूछता तू मेरी काबीना का पुराना वजीर है, ये राती गुस्से च बीवी ने तलाक दे बैठा, इहदा हल की है? उस आख्या बादशाह सलामत जान की अमान हो तो मुल्क की सियासी कोई गल है तो वह मैं तेज हाँ, ये गल है दीन दी, तो मेरा ये इतना तलक होनी। उस आख्या ये कितों पूछा? उस आख्या जी मौलवियां कोई दीन दे जिहड़े स्पेशलिस्ट है। उस आख्या मेरे मुल्क कोई चंगे वडेरे मौलवी जितने हैं नहीं बुला लै, उस चार फिका दे चार अजल आलम बुला ले, हनफी आलम, शाफी, मालकी, हम्बली, ये चारे मौलवी उस बुला ले। अगू फिर खुदा बंदा पता नहीं किस दस्या कि मौलवी हलवा ठीक खाते, वो जनाब रज हलवा खुआया खिदमत खातर। उन्हें आखिया बादशाह सलामत हूँ दसो बुलाया किस वास्ते? उस आख्या बुलाया इस वास्ते बीवी नाल गुस्से हो राती दिती है तलाक, तू थोड़े को पूछना चाहना इदा मसले का हल की है? चारे मौलवी बोले, उन्हें आख्या बादशाह सलामत तलाक तो पक्की होगी, बिल्कुल कन्फर्म। उस आख्या तो फिर इदा हल की है? उन्हें आख्या जी मौलवी एक नहीं माण हों से चार हाँ, मैं हमने हल कढ लैने की हल है। उन्हें आख्या बादशाह सलामत चार साड़िया फिका ने वक् वक् असी मौलवी हाँ, दीन साडा इक्के दीने मुस्तफा, दीने मुस्तफा के तहत चौं फिका के तहत तलाक पक्की हो गई है। इहदा हल है कि तुसी अपने मुल्क चों बाएतमाद बंदा तलाश करो जिदे ते तुहानूं पुज होवे कि फिरन नहीं लगा। हुण मिंबर का तकद्दस अपना जी, मजलस का माहौल अपना, लेकिन हक पहुँचे किसी तक? उस आख्या बाएतमाद बंदा तलाश करो जिहड़ा फिरे नहीं है, उसनों के करा? उस आख्या जी उस नाल तुहाडी बीवी का निकाह किया जा, उसकी जोजियत ही रहे, फिर वह तलाक देवे, फिर जनाब इद्दत गुजरे त्रै महीने दस दिन, फिर इद्दत गुजरन के बाद फिर उसका निकाह तुहाडे नाल किया, तो फिर तुहाडी बीवी तुहाडे ते हलाल है। तुसी सुनिए शिया चुप कर गए, खुदा बंदा दे चेहरे ते गुस्सा आ गया, मौलवियां वे के आदा, ओ खबरदार मैं मुल्ला नहीं मैं बादशाह, शाही गैरत इंज सर बर सरे बाजार सस्ती नहीं विकदी, मेरी शाही गैरत का सवाल है। उन्हें क्या है तो पहला सोचना ही, हूँ तलाक दी तो हल तो यही है। सर पकड़ के बैठ गया, वजीर ने बुला के आता है इन्होंने मौलवियों के अलावा कोई नहीं और मौलवी? हो सके जी साढ़े मुल्क के तो वडेरे ये जान, मैं जी रवायत पढ़ी उस लिखा गया कि काबीना वजरा एक शिया वजीर आई, उसनों मौका मिले उठा। उस आखे बादशाह सलामत दीन एक फिका पंज ने, इन्हें चार फिका दे मौलवी बुलाए जे एक फिका दा ये मौलवी नहीं आया तुहाडी जिंदगी दा राज हो, तुहाडी जिंदगी दा राज हो। सबोलो डूबते को तिनके का सहारा, चौंके खुदा बंदा। उस आखे की फिका ही? उस आखे जी फिका जाफरिया। पहले वजीर ने आदा तू उन्होंने मौलवी क्यों नहीं बुलाया? उस आख्या बादशाह सलामत तू उन्होंने मौलवी साढ़े मुल्क है ही कोई नहीं, पुछदा उन्होंने मौलवी भी हैं? फिके जाफरी। उस आख्या जी हैं ने, कितने ने उन्होंने मौलवी? उन्हें आख्या जी इस टाइम फिके जाफरी का मरकज है नजफ अशरफ, उत्थे उन्होंने दरस है, उत्थे उन्होंने अक्सरीयत है, उत्थे उन्होंने मौलवी ने। उस आख्या कासत दौड़ाओ नजफ जाके कुछ शिया फिके जाफरी का मौलवी बुलाओ, मत उन्होंने फिका च कोई हल हो। दौड़िया कासत जनाब मुकाम मैं ईरान का कासत नजफ पहुंचया, उस टाइम साढ़ा पहला पहला फिका जाफरिया का दरस आई नजफ अशरफ। उत्थे साड़ी फिका दे बहुत बड़े आलम उस वेले जिंदा है शेख तूसी अलैहि रहमा, ये वो साढ़े आलम मुजतहिद ने जिन्हों के हथा दिया लिखिया किताबा अज भी मदारस शिया च पढ़ाई जा रही, बहुत बड़े आलम, आलम रब्बानी, एक क्लास बच्चन पढ़ा रहे हैं। तुसी परेशान तो नहीं मेरी बात? बहुत मेहरबानी जी, क्लास पढ़ा रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह जी, बच्चों दरस दे रहे हैं। मेरी जाकिरी कोई उछल कूद नहीं, पैगाम है खुदा करे किसी तक पहुंचे जी,
कासद इंज जनाब घबराया तो सफर दाखिल होया सलाम किबला सफर में मेरा भी सलाम उस आखे जी मैं मुल्क ईरान बादशाह खुदा बंदा दा कासद हाँ जी तो किबला मेहरबानी पहले मैं टाइम दियो मैं जल्दी बड़ी किबला फरमा हाँ आख उस आखे जी साढ़े मुल्क के बादशाह खुदा बंदा तो औखी बन गई है गुस्से च बीवी ने तलाक दी लड़ाई झगड़ा हो गया गुस्से तलाक हूँ पछता रहे हूं। चार फिका दे मौलवी उस बुलाए ने तो वह उन्होंने गल तो मुतमिन नहीं शेख तुसी पुछते ने क्यों नहीं मुतमिन आता जी हूँ मैंने सही पता नहीं हो कोई हलाला शलाला दसते नहीं या की है तो उस बात वो ज्यादा परेशान है उन सही मैंने भी कन्फर्म ने यार तो वह किबला जी तुहाडा फिके विच कोई मौलवी चंगा है तो मेहरबानी या कोई हल हो सरकार मुस्करा शेख तुसी मुस्करा के अपनी क्लास के बैठे बच्चों वेख रहे ने वे दे वे दे वे दे वे दे सरकार शेख तुसी की निगाह अलामा हिली ते रुक गई हाय हाय सरकार हिली अलामा हिली साडी फिके जाफरिया दे वो आलम मुजतहिद ने जेडे 11 साल दी एज च मुजतहिद ने जी 11 साल लड़कपन हुंदा है बचपना हुंदा है वो दर्जा इतिहाद त्यान इतने बहुत बड़े आलम अजल तो बिल्कुल बचपना है सरकार हिली दा क्लास च बैठे ने बचपना ही दाड़ी शाड़ी को हिली जी किबला खड़े हो जाओ जी उस्ताद जी फरमा बेटा जाओ इस कासद दे नाल ईरान जाओ और मुल्क ईरान दे बशिंदन जाके फिका आले मोहम्मद दस के आओ उत्थों क्लास च हिली उठे सरकार हिली उत्थों उठे उस्ताद दे कदमां ते आके हथ लाया दुआ लई उस्ताद ने दुआ दी जाओ बेटा जाओ उन्होंने दुआ कपड़े हिली तुर उत्थे जिन्हें कासद खोलो तो उन्होंने चलो जी हूँ क्लास फैलो आपस में फ्री होंगे ने लेकिन उस्ताद के सामने नहीं दिया जाए आपस में सो वरी मजाक लेकिन अच्छे और लायक शागिर्द उस्ताद का एहतराम इन करते हैं कि उस्ताद की मौजूदगी जो फिर शरारत भी नहीं करते वो जिसल हिली तुरैया ना उस्ताद की दुआ लैके उतो ही क्लास फैलो उठे बाहर निकल उत्थे जा कुछ हिले न पकड़ो सका रुक तू सुनया है जिथे चलिया तू उस हाँ उस आख्या उत्थे चार मुल भी बैठे नहीं मुला एक नहीं माण आता तो तू कला चलिया मुनाजरा हो सकता है बहस हो सकती है कोई हवाला पूछ लेंदे ने मुल भी बहुत खतरनाक कौम का ना तो कोई भी जनाब वो कुंडी पा लैन ए गल कितें लिखी है तो ए हवाला दे किताब विखा तो तू खाली हथी टुर चलिया तो कोई किताबा शिताबा नाल लै लै कोई उठ तैयार कर लै उ किताबा लद नाल लै जा आले मुहम्मद की फिका की गल है प्रूफ कोई मंग सकता है कोई किताब का हवाला लै सकता है शाजी हिली दामन छुड़ा कह दे गल अपनी करनी हो तैयारी करा गल मैं कर चलिया आले मुहम्मद की मैं सचिया की गल कर चलिया जिंदगी उस आख्या जे तो गल मैं करनी अपनी तो तैयारी करा तो जे मैं गल ही आले मुहम्मद की करनी तो मैं कोई बेवारस हाँ मेरे वारस मेरी कंड ते नहीं मेरे इमाम का हुक्म नहीं साड़ी वकालत और सदाकत बेधड़क बोलना तुहाडा काम है तुहाडी जुबान नू जुमले अता करना असी बारां दा काम मेरे इमाम का फरमान है तुसी हक ते हो पहाड़ नू मत्था ला दियो अगर हार जाओ तो असी बारां सच्चे ही नहीं लेकिन तवक्कल तुहाडी मजबूत होवे अकीदा तुहाडा साडे ते बुलंद होवे उस आखे तू दुआ कर जे मैं उत्थों मौका लभ गया ना पूरे मुल्क ईरान नू अली उन वलीउल्ला ना पढ़ाया ते हिली ना ही नहीं कासा नू अदर टुरो जी चलिए जनाब कासा दे नाल सफर करके नजफ विचों सरकारे हिली ईरान पहुंचे ईरान दे दरबार च जिसले पहुंचे उत्थे फिर स्पीकर ते होंदे कोई ना उस दौर में घंटी होंगी है दरबार बादशाह बहुत बड़ी बड़ी घंटी वह वजदी है तो पता लगता ही सारे बंदे खामोश हो जाते हैं कोई मेहमान आ रहा है घंटी तो मैंने गल याद आई तो मैं सुना दें असी तुम भी अपने दरवाजे बैल घंटी लगाने कोई चिड़िया की आवाज़ है कोई परिंदी कोई जानवर की
मैंने जिक्र दी कसम मेरी साले तमाम फरमेंदे लम्मा उरी तो ले समा जदन मैं राजा ली रात में आसमान ते गया रह तो अला बाबिल जन्नत जरसन मैं जन्नत के दरवाजे ते घंटी वेखी लम्मा दुक्कत जिसले मैं अंगुश्त नबुवत नाल उसनु दबाया वल्लजी नफसी बियदही मैनु जात दी कसम जी जात दे कब्जा कुदरत च मैं मुहम्मद दी जान है मैं दबाया फजा फी सौत उस च आवाज आ रही है या अली या अली या मैं सब क्यों मैं सब क्यों सब बोलो ईमानदार करो हैदरी मैं बिस्मिल्लाह करो घंटी बजी खुदा बंदा बादशाह दरबार सारे बंदे मुतवजे हो गए बिलखसूस मौलवी ज्यादा चौंके वो आ गया जे वो शियां दा मौलवी हुण जिदे देने च मौलवियां दा नक्शा है ना वो ज्यादा तवज्जो करोगे लुत्फ आएगा मौलवी हुलिया कासद दाखिल हो दरबार चू घंटी बजी सारे बंदे मुतवजे हो गए कासद के नाल सरकार हिली बचपन है बिल्कुल हूँ औखी तो खुदा बंदा तो आई जितना ये परेशान है उतना बाकी तो ना परेशान होके तो खुदा बंदा वेख्या भाई होशियाँ का फिका जाफरी का मौलवी आया या नहीं आया कासद तो निगाह पई नाल एक बच्चा आई तो खुदा बंदा तो सोच भी नहीं बई है मौलवी होएगा कासद ने पूछना आ गया आ गया ईरान चू हो जी हो फिके जाफरी का शिया मौलवी लभ गए उस अके जी लभ गया कितने ही उस अके जी बच्चा जरा मैं ए बच्चा उस अके ए मौलवी आके जी उस अके ए एक निशानी भी मौलवी आ नहीं मौलवी तो ए फेर आते ने बोलो तो सही यार बोलो ये तो मौलवी शौलवी कौन उस अके जी उन्होंने ही हो जाए जे ये भेजा जो हम गुजारा करो मेहमान दियाँ दो किस्म ने एक जरा तुहाडे दरवाजे ते आ जाता है अल्लाह की रहमत मेहमान एक कोई जिसनों तुसी दावत दे के बुलाते हो इनवाइटेड मेहमान इन्हां दो च फर्क है जेड़ा आ गया है जो है पेश करो जिसनों तुसी बुलाया है उसकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करनी मेजबान ते वाजब है जी 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 ये शरीयत का मसला है चूंकि हिली इनवाइटेड मेहमान है वो जनाब उन रोक भी नहीं सकता टोक भी नहीं सकता चूंकि बुलाया भी है दिलों खुदा बंदा परेशान हो गया बच्चा है कि इस मौलवी पुणा करना लेकिन एक हरकत हिली ऐसी की थी पूरा मुल्क ईरान चौंक गया दरबार वाले दे हवास बाखता हो गए शाह जी उस हरकत ते तवज्जो जी ए जिसले हिली दाखिल होया ना कासद दे नाल ते चारियां मौलियां कोणियां मारियां जी अच्छा शियां दा मौलवी सुभान अल्लाह इयो जे मौलवी होंदे ने पूरे दरबार दे बंदे हिली दी एक एक अदा नूं नोट कर लेने इह टुरदे किवें ने इह वेहदे किवें ने इन्हां दे चेहरे ते इतमाद कितना है इन्हां दा चेहरा नूरानी है या नहीं एक एक हरकत हिली दी नोट की जा रही है लेकिन उस वेले चौंगा पूरा दरबार जिथे जुतियां लाने की जगह ही ना कासद उत्थे जुतियां लाइया हिली भी लाइया कासद जुतियां रख के टुर पिया हिली रखिया नहीं हिली जुतियां फड़ लिया एक दूजे दे विच हैदरी यार अच्छा की समझ दो मैं वल पढ़ना पे बल्ले 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 मैं पूरी दिहाड़ में लगा रहा तो ना मैं थकना है ना तुम थकन देना मौज मेरी जाकरी दी है हिली जनाब वो जुतियां कच्छे लाइया दुनिया हैरान हो गई किता की है उत्थे जुतियां रखी दियां ने अगू कीमती कालीना ने बादशाह दा दरबार है वो जनाब जुतियां चाह के हिली कालीन तो टुरदा टुरदा हुण बादशाह अगे नालों ज्यादा परेशान चूंकि बुलाया मेहमान नहीं उठ के खुदा बंदा इज्जत की थी आओ जी आओ जी आओ जी उत्तों तू अंदरों नहीं आओ जी आओ इत्थे आओ जी सरकार हिली कुर्सी ते बैठ गई जुतियां थले रख दित्तियां दुआ सलाम खैर खरीए जी खैरियत सन्नाटा खामोशी तारी होगी पूरे दरबार से सरकारे हिली बोले ने खुदा बंदा बादशाह सलामत जिस मकसद वास्ते मैंने बुलाया गया हुक्म करो सिर चाया उस आख्या बुलाया तो मैं तू फिका का मसला पूछना चाहती लेकिन बच्चा मैं तेरे को केड़े मुंह पूछा तू तो मैंने परेशान कर दिता है जी क्यों सके बच्चे थोड़ा ना की है जी हिली उस्ताद कौन है
जी किबला हजरत शेख तूसी अलैहिर रहमा। ये बेटा तुहाडे उस्ताद ने तुहानू शाही दरबारां दे अदाब नहीं सिखाए? जी सिखाए ने। कोई गलती हो गई? हो सके छोटी जी, तू मेरी तोहीन कर दीती है। बच्चा मैं तेनू